Hey guys, welcome to our new video of intermediate tutorials. So, in this video, we will do our project number 18. 18? Sorry. In this video, we will do our project number 28. This is the Hey guys, welcome to our new video of intermediate tutorials. So, in this video, we will do our project number 28. In this project, we will use ultrasonic sensor HCSR04. तो जो मेनली पार्ट्स रिक्वायर्ड में अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर ही है. तो सबसे पहले अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर के बारे में कुछ समझ लेते हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये एक अल्ट्रासोनिक ये डिस्टेंस सेंसर है. इसमें यहाँ पे ये क्या कर इसको क्या कहते हैं, दो ट्रांसमीटर रिसीवर नहीं नहीं तो फिर भी क्या है, ट्रांसमीटर एक रिसीवर है. कौन है ले एक सेकेंड, इसका एक टर्म है हम अभी पढ़े थे, उसको अच्छा लगा था हमको सुनने में. दो ओपनिंग्स हैं. हाँ तो ये एक सॉरी हाँ हाँ ये तो ये एक अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर है HCSR04. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके दो ओपनिंग्स हैं. एक ओपनिंग जो है वो हमारा ट्रांसमीटर है और एक ओपनिंग हमारा रिसीवर है. तो आई होप कि आपने सोनार के बारे में सुना होगा. सोनार जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग अप्लाई करते हैं शिप्स में और ये समुद्री गहराई का नाम पे नीचे वाले को क्या कहते हैं उसमें सबमरीन. हाँ तो आई होप कि आपने सोनार के बारे में सुना होगा जिसमें हम लोग शिप्स में और सी सबमरीन्स में सी सबमरीन्स में अप्लाई करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए कि जो ऑब्स्टिकल है वो हमारा कितने डिस्टेंस पे है. तो एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है कि इसमें जो ट्रांसमीटर होता है, मान लीजिए कि ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है. तो जो हमारा ट्रांसमीटर होता है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सेंड करता है. तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड भी कह सकते हैं, वो साउंड वेव जाता है और जो उसके सामने ऑब्स्टेकल आता है उसे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है जिसको रिसीवर रिसीव करता है. तो टकरा ये जाने ट्रांसमीटर से साउंड वेव जाने और रिसीवर तक आने में जितना टाइम एलेप्स्ड हुआ वो एक तरह से जो हमारा ऑब्स्टेकल से डिस्टेंस है उसका डबल हो जाता है और उसको हम जितना टाइम लगा है उसे डिवाइड करने पे ये हमारा जो डिस्टेंस है उसके बीच का वो आ जाता है. तो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस टाइम रिलेशन का यूज़ करके हम लोग और साउंड वेव का यूज़ करके इससे डिस्टेंस मेजर करते हैं. तो ये बेसिक आइडिया है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे वर्क करता है. तो चलिए कनेक्शन को सबसे पहले देख लेते हैं. तो जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपको दिया गया होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर. इसमें चार पिंस होते हैं, दो तो इसमें VCC और ग्राउंड होते हैं जो कि VCC 5 वोल्ट से कनेक्ट होता है और ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट होता है. ट्रिगर यूज होता है हमें ये जो एक ट्रिक होता है इसमें ट्रिक को यूज करते हैं हम ट्रिगर करने के लिए, मीन्स इससे साउंड वेव को सेंड करने के लिए यूज करते हैं. इसको मतलब सेंसर को ट्रिगर करने के लिए और इको यूज होता है उसको सेंस करने के लिए, मीन्स जो हमारा साउंड वेव रिसीवर रिसीव करता है उसको सेंस करने के लिए ये यूज होता है. तो बेसिकली यही चार कनेक्शंस है. तो चार पहला तो हो गया आपका VCC, आप 5 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड जो है आपका वो ग्राउंड को जाएगा. ट्रिगर पिन नंबर 9 को कनेक्ट कर दीजिए और इको जो है पिन नंबर 10 को कनेक्ट कर दीजिए. तो आई होप कि आप ये कनेक्शन कर लेंगे. ये बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक लेवल का कनेक्शन है. तो चलिए डायरेक्टली कोड पे चलते हैं, पहले कोड को समझते हैं और फिर कोड को सबसे पहले कोड को समझते हैं और फिर कोड को अपलोड करके चेक करेंगे कि क्या हो रहा है. तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्स्ट इंट डिक्लेयर कर लेते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्ट इंट भी यूज कर सकते हैं. ट्रिक पिन और इको पिन जिसमें कनेक्ट किया हमने, ट्रिक 9 पे और इको 10 पे है. फिर फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हैं. ड्यूरेशन मतलब कि कितना टाइम लगा साउंड ट्रांसमिट होके रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आके रिसीव होने में कितना टाइम लगा, मतलब ट्रांसमिशन और रिसीविंग के बीच का जो टाइम है
वो हमारा ड्यूरेशन स्टोर करेगा, फिर डिस्टेंस डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। सेटअप में हम क्या करते हैं कि पिन मोड हम चेंज करते हैं ट्रिगर ट्रिगर का आउटपुट के लिए, क्योंकि हम इसको सेंड कर रहे हैं इससे सिग्नल, और इको में हम क्योंकि रिसीव कर रहे हैं तो ये इनपुट हो जाता है। फिर यहाँ पे हम जो आउटपुट है वो चेक करने के लिए, मतलब जो डिस्टेंस मेजर होगा वो चेक करने के लिए हम सीरियल मॉनिटर का यूज करेंगे, इसलिए सीरियल उसका बॉड रेट सेट कर देते हैं सीरियल डॉट ये बेगिन फंक्शन का यूज करके, तो सीरियल डॉट बेगिन 9600 यहाँ पे। उसके बाद आता है लूप फंक्शन। लूप फंक्शन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ट्रिगर पिन को लो करते हैं, मतलब ट्रिगर जो है वो ऑफ करते हैं अगर ये ऑन होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं आपकी अल्ट्रासोनिक सेंसर जो डिस्टेंस सेंसर है उसको अच्छे से वर्क कराने के लिए सब पहले इंश्योर कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रिगर है वो ऑफ है, मतलब हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो अभी ट्रिगर्ड नहीं है। उसके बाद 2 माइक्रो सेकेंड्स, यहाँ पे डिले जो है वो हम माइक्रो अभी तक ये डिले जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में दे रहे हैं, तो डिले डिले माइक्रो सेकेंड्स ऑफ 2 माइक्रो सेकेंड्स का डिले देते हैं और फिर इसको हाई करते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रिगर पहले हमने इंश्योर कर लिया कि ये ऑफ है या नहीं, और फिर यहाँ पे हाई कर दिया, इसको ऑन कर दिया, फिर डिले देते हैं 10 माइक्रो सेकेंड्स का और फिर से ट्रिग पिन को लो कर देते हैं। उसके बाद जो है हम ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे पल्स इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ये एक्चुअली जो हमारा साउंड जाता है वो साउंड पल्स जाता है, साउंड वेव नहीं जाता है, साउंड पल्सेस जाते हैं, तो पल्स इनपुट का यूज करके इको पिन को हाई करते हैं, और डिस्टेंस जो है उसमें मतलब जो भी ये ड्यूरेशन है, सॉरी ड्यूरेशन जो है हमारा वो कैलकुलेट हो जाता है, मतलब जो टाइम अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो हमारा पल्स गया साउंड पल्सेस गया वो वापस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आने में जितना टाइम लगा वो इसमें ड्यूरेशन में हो गया। अब ड्यूरेशन को हम ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्यूरेशन को 0.0343 से मल्टीप्लाई करके ये डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला आता है हमारा कि जो हमारा साउंड का वेलोसिटी है वो 341 मीटर पर सेकेंड हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, और वहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग उससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और फिर हम सीरियल प्रिंट कर रहे हैं डिस्टेंस को, और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी ये सीरियल प्रिंट एज इट इज डिस्टेंस प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है वो कर रहे हैं, और फिर डिले दे रहे हैं 100 मिली सेकेंड्स का, ताकि ये क्या है लूप फंक्शन है, तो क्योंकि लूप फंक्शन है तो इसमें ये जो लूप फंक्शन के अंदर कोड है बार बार रन करेगा, तो हर बार एक डिले दे रहा है, एक मतलब एक तरह से थोड़ा डिले देता है उसको अल्ट्रासोनिक सेंसर को फिर से वापस से ट्रिगर होने के लिए। तो ये था हमारा कोड, चलिए इसको अपलोड करके चेक करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आर्डिनो आईडी में अपना कोड अपलोड कर लिया, सॉरी टाइप कर लिया है, आई होप कि आपने भी टाइप कर लिया हो, तो चलिए कोड को वेरीफाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड वेरीफाई हो चुका है, अब इसको इसमें यूएसबी कनेक्ट करते हैं। यूएसबी कनेक्ट करने के बाद टूल्स में जाकर पोर्ट को से देखते हैं सिलेक्ट है कि नहीं, ये सिलेक्टेड है मेरा पहले से, अगर आपका सिलेक्टेड नहीं है सेलेक्ट कर लीजिए, बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कोड को अपलोड कर दीजिए। तो आप ए हर्ष इधर आना, यहाँ सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेते हैं, हमारा आउटपुट देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस जो कैलकुलेट हो रहा है वो आउटपुट आ रहा है, तो डिस्टेंस सही कैलकुलेट हो रहा है, इसके लिए हम एक ऑब्स्टेकल ले लेते हैं, ये देखो कैमरा में आ रहा है क्या है? हाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये मैंने डिस्टेंस पे रखा है, और देखिए वहाँ पे कॉन्स्टेंट डिस्टेंस आ रहा है, वो थोड़ा सा हवा के कारण मूव होने पे वो डिस्टेंस बढ़ जाता है घट जाता है, तो ये देखिए आप ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे आता है, और थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं, फिर अगर हम इंक्रीज करते हैं डिस्टेंस तो इंक्रीज करने पे धीरे धीरे 10 सेंटीमीटर 11 12 13 14, मतलब ये डिस्टेंस जो है भी बढ़ते जा रहा है, मतलब ये हमारा कोड जो है सही काम कर रहा है, फॉर्मूला भी सही काम कर रहा है और हमारा सेंसर भी सही काम कर रहा है। तो ये था बेसिक प्रोजेक्ट हमारा,
और ये आप देख सकते हैं मैंने ऑब्स्टिकल आकार दिया है, क्योंकि फिर भी ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो है 200 सेंटीमीटर तक ही, 200 से 300 सेंटीमीटर तक ये अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन इसके सामने जो भी ऑब्स्टिकल आएगा उसको ये रीड करके डिस्टेंस देते रहता है, इसलिए ये अभी कंटिन्यूस ये दे रहा है। अगर आप चाहें तो इसका डिले यहाँ पे लास्ट लाइन में जो डिले था उसको चेंज करके आप डिले को चेंज करके जो ये डिस्टेंस कैलकुलेट होने का टाइमिंग है इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा 28 नंबर प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ को समझ रहे थे, आगे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को ही यूज़ करके और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ अस, थैंक यू, गुड बाय।